السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा दर्स नंबर 6, एपिसोड नंबर 60। आज इंशाअल्लाह जूता पहनने की सुन्नतें और आदाब आप समाअत करेंगे और इस पर अमल करने की इंशाअल्लाह हम कोशिश भी करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जूता पहनना यह हर इंसान के लिए रोज़ो शब की अहम ज़रूरियात में से है, इसलिए कि हमवार और नरम ज़मीन पर जूता पहनकर चलना आसान होता है और जंगलों और बयाबान में जूता कांटे और मोज़ी चीज़ों से पैरों की हिफाजत करता है। यही वजह है कि ख़ुद हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते इस्तेमाल किए हैं और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को भी जूते इस्तेमाल करने की ताकीद फरमाई है। जहाँ जूते इस्तेमाल करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वहीं इस्लाम ने हमें जूते इस्तेमाल करने का तरीक़ा और उसका सलीका भी बताया कि हम जूता भी पहने तो किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आइए जूता पहनने और उतारने का तरीक़ा, जो इस्लामी तरीक़ा है, सुन्नत तरीक़ा है, आज उसको हम समाअत करते हैं। जूतों को पहनने से पहले झाड़ पोंछ ले और अगर जूता बंद किस्म का हो तो उसे उल्टा करके देखें कि उसमें कोई तकलीफ़देह चीज़ या तकलीफ़देह जानवर मौजूद तो नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है हमारी सेफ्टी के लिए। अगर हम सुन्नत पर अमल करेंगे तो याद रखें, इस पर अमल करने की वजह से हो सकता है कि कोई अल्लाह न करे हादसा हो, उस हादसे से महफूज रहेंगे। इसके बाद हमें जब जूता पहनना है तो बैठ कर पहले दायां जूता पहने यानी सीधे पैर का, और फिर बायां जूता यानी उल्टे पैर का, और उतारते वक्त पहले बायां उतारे यानी उल्टे पैर का उतारे और फिर दायां यानी सीधे पैर का। अगर जूता तस्मे वाला हो तो तस्मा बांध लेना चाहिए, उसे यूं ही खुला नहीं छोड़ना चाहिए, यानी जो जूते की दूरी होती है उसे बांध लेना चाहिए। जूते खुद अपने पैरों में डालें और ख़ुद ही उतारें। हाँ, अगर कोई मजबूरी हो तो फिर दूसरे से डलवा सकते हैं, यानी फिर कह सकते हैं कि भाई आप जूता पहना दीजिए, मगर मजबूरी नहीं है तो ख़ुद ही को जूते पहनना चाहिए। बाज़ मगरूर और नवाब तबाह लोगों को जो ये देखा गया कि खुद जूता पहनना और उतारना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं, उनके लिए एक अलग से नौकर हो जो उनके पैरों में जूते डालें, उनको जूता पहनाएं या जूता उनका उतारें। ये इस तरीके से मगरूर किस्म के लोग होते हैं या नवाब किस्म के लोग होते हैं, और वो जूता पहनाने और उतारने के लिए भी नौकर रखते हैं, तो ऐसा करने में दूसरे इंसान का मकाम गिरता है। इस्लाम ऐसा करने से मना करता है और इस तरीके से करना नहीं चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि जब तुम में से कोई जूते पहने तो दाएं जानिब से शुरू करें और जब उतारें तो बाईं तरफ से इब्तिदा करें, यानी पहनते वक्त पहले अपना दायां पैर यानी सीधा पैर पहनना चाहिए, पहले सीधे पैर में जूता पहने और उतारते वक्त पहले उल्टे पैर का जूता उतारें। ये तरीक़ा इस्लामी तरीक़ा है, सुन्नत तरीक़ा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बुखारी शरीफ की रिवायत जो आपने समाअत की कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमें हर काम का सही और इस्लामी तरीक़ा सिखाया है, यहाँ तक कि आपने जूते पहनकर भी बताए कि इस तरीके से जूते पहने और उतारने चाहिए, दोनों तरीक़ा में बता दिया। जूता पहनना ये हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है, अगर हम इसे सुन्नत तरीक़े पर पहने और उतारेंगे तो हमारा जूता पहनना और उतारना भी हमारे लिए बाइस सवाब होगा। यानी जूता पहनना तो है ही और पहने तो उसे उतारना तो है ही, मगर सुन्नत तरीक़े पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह पहनने पर भी सवाब और उतारने पर भी अल्लाह तबारक व तआला हमें सवाब अता फरमाएगा। यहाँ एक बात और अर्ज़ कर दूँ कि हमारे मुल्क के अंदर, मुल्क हिंदुस्तान में अमूमन चप्पल या सैंडल वग़ैरह जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है,
तो उनके पहनने और उतारने का तरीका भी यही है, क्योंकि आप सुन रहे हैं कि जूता इस तरीके से पहनना चाहिए, उतारना इस तरीके से चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चप्पल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, स्लीपर का इस्तेमाल होता है, सैंडल का इस्तेमाल, इस किस्म के जो चप्पल हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी तरीका यही है। यानी जब भी पहने तो दायां पैर यानी सीधे पैर में पहले पहने और उतारें तो उल्टे पैर का पहले उतारें। ये तरीका सुन्नत तरीका भी है। अब जूता पहनने के हवाले से आप एक रिवायत समाअत कर लें, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते कि मैंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम को एक गज़वे के दौरान फरमाते हुए सुना कि आका अली सलातो तस्लीम फरमा रहे हैं, इस्तकसरु मिनन निआली फइन्ना रजुला ला यज़ालु राकिबम मन तआला। फरमाते हैं कि जूते ज़्यादा पहना करो, क्योंकि जब तक के आदमी जूते पहने रहता है सवार की तरह रहता है। सुभानअल्लाह, मेरे प्यारे आकाश सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, इस हदीसे मुबारका में अल्लाह के प्यारे रसूल अली सलात व तस्लीम ने न ये कि सिर्फ जूते पहनने की बल्कि कसरत से जूते पहनने की तरगीब और तलकीन भी फरमाई है कि जूते पहना करो। लिहाजा हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जिस कदर मुमकिन हो सके हम जो है अक्सर दिन का हिस्सा जूते पहने, जहाँ कहीं भी जाना हो तो हम जूतों का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा हासिल हो जाएगा। अब जूते पहनना या उतारना है तो किस तरीके से पहने और किस तरीके से उतारें, देखें। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन यंतअल अर्रजुल क़ाइमा। फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर जूता पहनने से मना फरमाया। यानी जूता पहनना है तो उसका तरीका भी बताया गया, खड़े होकर जूता नहीं पहनना चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत है, आका अली सलातो तस्लीम ने जो जूते खड़े होकर पहनने से मना फरमाया, जिनके खड़े होकर पहनने में दुश्वारी हो, जैसे कि बूट वगैरह है या बड़े जूते होते हैं जिनके खड़े होकर पहनने में दुश्वारी वगैरह होती है, तो उनके तस्मे बांधे हुए होते हैं, तो जो बैठे बगैर बहुत मुश्किल है कि वो पहने जा सके। तो इसी तरीके से सैंडल वगैरह को भी बगैर बैठे सही तौर पर पहनना मुश्किल है। अलबत्ता मुजड़ी है या चप्पल है तो इनको खड़े होकर आसानी के साथ पहना जा सकता है, इसलिए उलमा ने फरमाया कि उनके खड़े होकर पहनने में कोई हर्ज नहीं। चप्पल को आसानी से आप खड़े होकर पहन सकते हैं, या जो है मुजड़ी है उसको भी खड़े होकर आसानी के साथ पहन सकते हैं, तो उनके खड़े होकर पहनने में कोई कबाहत नहीं है और नहीं इस तरीके से मना के तहत में आती, यानी रोका नहीं गया, मना नहीं किया गया। हाँ, जिनके जो है हमें तस्मे बांधने हो, यानी जिसकी दूरी वगैरह बांधनी है, बूट है, बड़े जो है जूते होते हैं कि जिनको खड़े होकर आसानी के साथ पहना नहीं जा सकता, तो फरमाया गया कि उन जूतों को जब भी पहने सुन्नत तरीका ये है कि बैठकर पहने, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर जूता पहनने से मना फरमाया है। आज जूता पहनने के हवाले से आपने बहुत सारी बातें समाअत की, उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ज़रूर ज़रूर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।